तो वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन होना है। आपको बताया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको जानकारी दें, 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सबकी बड़ी खबर है, दिल्ली से एक खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जो कि सोनिया गांधी के आवास पर इस बैठक का आयोजन होगा। आपको बताएं कि उम्मीदवारों के चयन के लिए इस अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियांशी फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। जी प्रियांशी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के आज एक अहम बैठक होने वाली है, सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट है? जी आयुषी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोनिया गांधी के आवास पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर अंबिका सोनी, बीरप्पा मोली, इसके साथ ही काफी बड़े नेता मौजूद हैं। इस मीटिंग में करीब 50 नामों पर चर्चा की जा रही है। बता दें कि वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से 27 सितंबर को समय मांगा था। इस मीटिंग में ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही कमर कस ली है। कांग्रेस चाहती है कि पहले से ही उम्मीदवारों का नाम चयन कर लिया जाए, ताकि घमासान ना हो। मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी को हराना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लिहाजा हर मोर्चे पर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये आसार भी लगाए जा रहे हैं कि आज की इस मीटिंग में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की सीटों पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल पहले चरण की 25 बार दूसरे चरण में 22 सीटों पर फैसला होने से कांग्रेस के करीब 43 नाम फाइनल होने के आसार लगाए जा रहे हैं। इन पर अंतिम मोहर कांग्रेस चुनाव समिति की 30 सितंबर को होने वाली बैठक में लगेगी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान में पूर्व भाजपा नेता स्वर्गीय राकेश वर्मा की पत्नी इंदु वर्मा को पार्टी में शामिल किया है। इंदु वर्मा यहां से मौजूद। जी आयुषी, जी प्रियांशी, क्या लगता है, देखिए जिस तरह से राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है, उसको देखते हुए क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और ज्यादा अलर्ट हो गई है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जैसे अभी विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही अपनी पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। कांग्रेस चाहती है कि पहले से ही उम्मीदवारों का नाम चयन कर लिया जाए, ताकि जिस तरह। जी प्रियांशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।